नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एटेक स्टडी पर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ का मैथमेटिक्स। जहाँ तक बहुपद को पढ़ चुके हैं उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। पूरी तरह से पढ़ गया। चलिए दूसरे क्वेश्चन का सेकंड, दूसरे का दूसरा। एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स और प्लस वन, और ये दिया है 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x और प्लस 2। और क्वेश्चन वाले बोल रहे हैं कि पहले बहुपद दूसरे बहुपद को भाग दीजिए। पहले को दूसरे से भाग देना है और बताना है कि पहला वाला दूसरे का गुणनखंड है कि नहीं। तो आपको बताया गया था कि पहले से दूसरे में भाग देंगे और यदि शेषफल का मान शून्य आ जाए तो बोल देंगे कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, और यदि शून्य नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स और प्लस वन को डिवाइड करेंगे इससे 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2। और एक बात समझिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ x⁴ है, यानी एक्स स्क्वायर की कमी, आगे यहाँ तीन है तो तीन लगा देंगे, 3x² का इसमें गुणा हो जाएगा तो क्या हो गया 3x⁴, और तीन का तीन में गुणा होगा तो तीन तली के नौ हो जाएगा, और यक्स स्क्वायर तो x³, और इसमें कर देंगे तो तीनें कम है, तीन हो जाएगा प्लस का 3x² घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस, ये कट गया, ये वाला घट जाएगा, ये माइनस हो गया और ये प्लस हुआ है, तो घटने के बाद से 4x³, और बड़ा नंबर है माइनस में तो माइनस लगा देंगे। यहाँ देखिए दोनों समान चिन्ह है तो जोड़ देंगे 10x² और वही चिन्ह लगा देंगे और आगे का लिख लेंगे, प्लस का 2x प्लस का 2। अब यहाँ देखिए माइनस नहीं है, यहाँ माइनस 4 है तो माइनस 4 लिख देंगे तुरंत। यहाँ x² है, यहाँ x³ है तो एक x लिख दिया जाए, तो ये हो गया माइनस 4x। कितने से गुणा कर देंगे, माइनस 4x से, इसमें आएगा तो माइनस 4x³, और ये वाला माइनस और ये वाला प्लस, माइनस हो जाएगा 4 × 3 = 12, तो 12x² और इसमें गुणा कर देंगे तो 4 × 4, तो ये हो गया 4x। अब घटाने पर चिन्ह बदल देना है, तो यहाँ हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस और ये भी प्लस, ये कट गया, ये वाला घट गया, तो 2x² बड़ा नंबर प्लस में है तो प्लस, और ये दोनों प्लस प्लस हैं, जोड़ देंगे तो 6x और वही चिन्ह लगा देंगे और प्लस का 2। तो देखिए यहाँ x² है और यहाँ 2 है आगे, तो प्लस का 2 लिख दिया जाए, यहाँ भी x² है, यहाँ भी x² तो आ जाएगा, तो 2 का गुणा x² में तो क्या हो जाएगा 2x² और 3 × 2 = 6 हो जाएगा, तो प्लस का 6x और 2 × 2 = 2। तो यहाँ से घटाएंगे चिन्ह बदलेगा, यहाँ माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, ये कट गया और ये भी कट गया, तो इस प्रकार शेषफल क्या आ गया, शून्य। तो लिखेंगे अतः पहला बहुपद दूसरे का गुणनखंड है, पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। मान लीजिए शेषफल 0 नहीं आता तो यहाँ लिख देते दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है, इसको नोट करिए। चलिए मिटाते हैं, अब देखिए इसका थर्ड भी वही है, तीसरा नंबर भी वही दिया है, x³ माइनस 3x² प्लस 1, और दूसरा दिया हुआ है x⁵ माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1, ऐसे लिखा हुआ है, इसमें भाग देना है x⁵ माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1 में भाग देना है, किससे, तो इस वाले से x³ माइनस 3x प्लस 1 इससे भाग देना है। तो यहाँ देखिए x³ है और यहाँ x⁵ है, तो 2x की कमी है, डेट मीन्स x² की कमी है, तो x² का x³ से करेंगे तो x⁵ हो जाएगा, और इसमें आएगा तो क्या हो जाएगा x और x³, तो x में x² का गुणा होगा तो x³, और माइनस 3 है तो माइनस का 3 आ जाएगा, माइनस 3x³, ये बन गया, और एक में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा वही x² घटा देंगे, चिन्ह बदल जाएगा, माइनस प्लस माइनस, ये वाला कट गया, ये वाला कट गया,
यहाँ प्लस और माइनस है तो घट जाएगा, तो एक एक नहीं लिखते हैं, बड़ा नंबर चार है इसके आगे माइनस है तो माइनस लगा देंगे, आगे का दो पद उतार लेंगे, प्लस का तीन एक्स प्लस एक। और देखिए यहाँ भी एक्स क्यू है, यहाँ भी एक्स क्यू है, लेकिन माइनस यहाँ है, यहाँ माइनस नहीं है, तो माइनस एक से गुणा, माइनस एक से गुणा, माइनस एक से करेंगे तो ये सब आ जाएगा, लेकिन माइनस के कारण चिन्ह बदल देगा, ये प्लस है तो किस में लिख देंगे, माइनस में, एक का गुणा इसमें होगा तो ये प्लस का हो जाएगा तीन एक्स, चिन्ह बदल देना है, जो यहाँ लिखा है उसी का चिन्ह उल्टा करके, क्योंकि एक से गुणा हो रहा है मान वही आएगा, माइनस है तो चिन्ह बदल जाएगा, तो यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस। अब ये घटाने पर चिन्ह बदल देगा, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। देखिए ये कट गया, ये कट गया, लेकिन ये क्या कटा तो नहीं, ये दो हो गया, शेषफल दो आ गया, तो लिखेंगे अतः पहला बहुपद, पहला बहुपद दूसरे बहुपद का, दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। ये हो गया पहला बहुपद दूसरे का गुणनखंड नहीं है, एक बार समझिए इसको। अब देखिए तीसरा नंबर एक इक्वेशन दिया हुआ है और कह रहा है सभी शून्य ज्ञात कीजिए, और इसके दो शून्य दिए गए हैं, चार घात का समीकरण है, दो शून्य दिया हुआ है, तो यानी कि चार घात का है तो अधिकतम कितना घात आएगा, चार घात, दो दिया है तो दो और निकाल देंगे हम लोग, वही दोनों आंसर हो जाएंगे, तो इसको मिटाते हैं। और देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया हुआ है एक इक्वेशन, सबसे पहले लिखा है तीन एक्स टू दी पावर चार प्लस छः एक्स क्यू माइनस दो एक्स स्क्वायर माइनस का दस एक्स और माइनस पाँच के अन्य सभी गुणन शून्य ज्ञात कीजिए, और दो शून्य दिया है तो ऐसे ना लिख के, हम ऐसे लिख ले रहे हैं इसको, किसी के बराबर करके एफ एक्स के बराबर कर दे रहे हैं, और दो शून्य दिया है, मतलब शून्य का मतलब होता है एक्स का मान, तो ये एक्स का मान दिया हुआ है, पहला वाला दिया है अंडर रूट पाँच बटा तीन, और ये प्लस है, इधर आएगा तो किस में मिल जाएगा, माइनस में, प्लस में, इधर लाएंगे तो किस में, माइनस में, बराबर में सब निकल जाता है तो जीरो बचता है, एक नंबर इक्वेशन। दूसरा दिया हुआ है एक्स का मान माइनस में, यही वाला माइनस रूट फाइव बाई थ्री, पाँच बटा तीन दिया है, ये माइनस इधर आएगा तो किस में, प्लस में हो जाएगा, अंडर रूट पाँच बटा तीन, और सब चला गया तो जीरो, दो नंबर इक्वेशन। एक और दो का गुणा कर देते हैं, समीकरण एक और गुणे दो, दोनों का यदि हम गुणा कर दें तो ये LHS का LHS में होगा और RHS का RHS में होगा, तो ये वाला x माइनस रूट फाइव बाई थ्री ये हो गया x माइनस रूट पाँच बटा तीन, और यहाँ पे ये वाला x प्लस रूट पाँच बटा तीन। अब एक बात समझिए, और इधर जीरो हो गया, आपने सीख रखा है एक ब्रैकेट में a माइनस बी हो और दूसरे में a प्लस बी हो, तो एक को एक जगह हटाना, ऐसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, वैसे ही यहाँ भी बन रहा है, एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना, तो एक बार पहले का स्क्वायर कर देंगे ऐसे, और माइनस एक बार दूसरे का स्क्वायर कर देंगे, तो अंडर रूट पाँच बटा तीन का होल स्क्वायर बराबर, इधर जीरो है ही, तो एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और रूट का स्क्वायर हो तो रूट हटा देते हैं, तो पाँच बटा तीन बराबर जीरो, एलसीएम लेंगे तो तीन हो जाएगा, तीन का गुणा तीन एक्स स्क्वायर, और तीनों का में तीन, यहाँ तीन है तो ऊपर वाला उतार लेंगे, माइनस पाँच बराबर जीरो, ये जाएगा जीरो के साथ तो क्या हो जाएगा जीरो, तो कुल मिला के हो गया तीन एक्स स्क्वायर माइनस पाँच बराबर जीरो। एक नंबर इसको इक्वेशन बना देते हैं, इतना नोट करिए फिर मिटा के लगाते हैं। चलिए अब मिटाते हैं, अब देखिए जो समीकरण दिया हुआ है उसी में इसी से भाग लगाएंगे, तो यहां पर किससे, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस पाँच से भाग लगा देंगे। देखिए तीन तीन यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर एक्स टू दी पावर फोर है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर की कमी है, इससे गुणा कर देंगे तो चार पावर हो जाएगा, और सिर्फ पहला वाला ही मिलाते हैं, बाद में क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ से इसमें गुणा हो जाएगा तो थ्री एक्स टू दी पावर फोर, इसमें गुणा होगा तो माइनस पाँच हो जाएगा, माइनस पाँच एक्स स्क्वायर, यहाँ करेंगे तो माइनस हो जाएगा और यहाँ करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये कट गया, ये वाला उतार लेंगे, सिक्स एक्स क्यूब, और ये वाला स्क्वायर स्क्वायर के साथ ही लिखते हैं, तो प्लस यहाँ है यहाँ माइनस है तो घटाने पर तीन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और बड़ा नंबर प्लस में है तो प्लस, आगे वाला दो पद लिख लेंगे, दस एक्स माइनस पाँच। अब देखिए यहाँ तीन है और यहाँ छः है, यहाँ एक्स स्क्वायर है यहाँ एक्स क्यूब है, तो कितने की कमी है, तो हम कहेंगे यदि हम दो एक्स से गुणा कर देंगे तो छः हो जाएगा, तीन दूनी
छः एक्स स्क्वायर का एक्स है तो एक्स क्यूब बन जाएगा, केवल पहला मिलाना है हमें, तो छः एक्स क्यूब हो गया और पाँच और दो तो माइनस पाँच दूनी दस एक्स हो जाएगा, ये बन गया। देखिए एक्स वाला फंक्शन तो एक्स के नीचे ही इसको लिखना है, यहाँ पे माइनस और यहाँ प्लस, ये कट गया और ये कट गया, तो ये वाला तीन एक्स स्क्वायर और ये वाला माइनस का पाँच। अब यहाँ तीन एक्स स्क्वायर माइनस पाँच है और वही यहाँ पे है, तो केवल एक का गुणा कर देंगे प्लस एक, तो एक से गुणा होगा तो वही आ जाएगा तीन एक्स स्क्वायर माइनस पाँच, और ये कट गया माइनस प्लस, ये कट गया ये कट गया, तो क्या आ गया शेषफल जीरो। इसलिए हम कहेंगे क्वेश्चन लिखा था ये वाली लाइन, उसको लिखेंगे तीन एक्स पावर फोर प्लस छः एक्स क्यू माइनस दो एक्स स्क्वायर माइनस दस एक्स माइनस पाँच बराबर क्या होगा। तो ये देखिए क्वेश्चन में ये निकाले थे हम लोग शून्य पहला वाला ब्रैकेट, मतलब ये और ये इतना का गुणा कर देना है तीन एक्स स्क्वायर माइनस पाँच, और दूसरे ब्रैकेट में ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस दो एक्स और प्लस एक बराबर में जीरो। अब इसी को सॉल्व करना है और आ जाएगा ये वाला बुक में दिया ही है इसका आंसर, ये लाना है हमें, तो इसको नहीं कुछ करना है तीन एक्स स्क्वायर माइनस पाँच। इसमें देखिए क्या लिख सकते हैं हम इसको एक्स स्क्वायर, इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर लेते हैं, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, वही मतलब है। देखिए एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो वन स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस टू ए बी तो दो गुणे एक गुणे एक्स, दो गुणे एक्स गुणे वन, देखिए दो एक में दो हो गया तो एक्स स्क्वायर प्लस वन और प्लस का दो एक्स, इसी की जगह पे तो ये आ रहा है, तो ये देखिए सेम मिल रहा है, तो हम लिख देंगे एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अब इसको जीरो दिखाएंगे, यदि एक्स प्लस वन बराबर जीरो हो तो यहाँ से हम कह देंगे एक्स का मान क्या होगा प्लस है उधर जाएगा तो माइनस, एक्स का मान क्या बन जाएगा प्लस है उधर जाएगा तो माइनस। अब यहाँ पे दो घात लगा है, जितना घात लगा होगा उतनी बार एक्स को लिखना है, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए अन्य जो शून्यक होंगे, अन्य शून्यक ही पूछा है तो अन्य शून्यक, यहाँ दो घात लगा है तो दो बार इसको माइनस वन माइनस वन, दो आंसर ये है दो दिया हुआ है, तो ये होगा इसके अन्य शून्यक। एक बार इसको समझिए, पहले तो इसको मिटाते हैं, अब अगला लगाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर। एक इक्वेशन दिया हुआ है और कह रहा है कि को बहुपद जी एक्स से भाग देने पर भागफल और शेषफल लिखना आता है, मतलब आपको बताया गया था, तो जब बताए थे जी एक्स से भाग देना था पी एक्स वाले में, और इसमें भाग देने पर इस वाले क्या कहते हैं भागफल, और नीचे जो आता है उसको क्या कहते हैं शेषफल, रिमाइंडर कहते हैं, और इसको क्वाइडेंट कहते हैं, ये क्वाइडेंट होता है रिमाइंडर, तो इसका गुणा इससे करेंगे और ये जोड़ देंगे तो ये वाला आ जाता है, यही आप बचपन में सीखे होंगे दो का पहाड़ा इसे नौ भाग देना है तो दो चौकिया और एक बचता था, तो इसका गुणा इससे कर रहे थे चार दुनी आठ और एक जोड़ रहे थे तो नौ आ रहा था, वही काम इसमें भी करना है, इस जी एक्स का गुणा इसमें भागफल में और इस शेषफल को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे ये पी एक्स आ जाएगा, तो लिखेंगे पी एक्स का मान दिया हुआ है, पी एक्स का मान क्वेश्चन वाले दे रहे हैं, हम मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि ये पी एक्स है, एक्स क्यूब माइनस तीन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस दो ये दिया हुआ है, और जी एक्स से भाग देने पर भागफल बोल रहे हैं कि भागफल जो है वो एक्स माइनस दो है, और जो शेषफल है शेषफल जो है वो माइनस दो एक्स प्लस चार है, तो हमें बताना है जी एक्स का मान, बिल्कुल वैसे ही बन गया है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे इसका गुणा कर देना है जी एक्स का भागफल के साथ, तो जी एक्स और गुणे भागफल बराबर जी एक्स और गुणे भागफल और प्लस शेषफल, शेषफल भी जोड़ेंगे, शेषफल बराबर में क्या आ जाएगा ये पी एक्स, तो लिखेंगे यही चीज यहाँ पे बराबर में पी एक्स, तो यहाँ देखिए जी एक्स बराबर जी एक्स की जगह जी एक्स ही है, वही पूछा भी है, भागफल की जगह ये है एक्स माइनस टू और प्लस शेषफल की जगह ये है पूरा माइनस दो एक्स और प्लस चार, पी एक्स की जगह ये है पूरा क्वेश्चन एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस दो। अब देखिए यहाँ से जी एक्स बराबर क्या हो जाएगा जी एक्स इंटू एक्स माइनस दो, ये वाला माइनस से उधर जाएगा तो क्या होगा, पहले तो इसको उतार लेते हैं हम लोग, तीन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस दो ये लिख लिया गया,
ये वाला माइनस दो एक्स है, प्लस माइनस से माइनस ही रहेगा तो वैसे ही लिख लेते हैं, माइनस है उधर जाएगा तो प्लस का दो एक्स, ये प्लस चार है उधर भेजें तो माइनस चार, घटा दिया जाए देखिए एक्स क्यूब वैसे ही, स्क्वायर वाला भी वैसे ही। यहाँ पे क्या दिख रहा है कि यक्स है और यहाँ प्लस दो यक्स है, दोनों समान चिन्ह है, जोड़ देंगे तीन यक्स और वही चिन्ह उतार देंगे, जब भी समान चिन्ह आएगा जोड़ते हैं और वही चिन्ह उतारते हैं, और दो यहाँ विपरीत हो गया है तो घटा देंगे, और बड़ी संख्या चार है तो इसके आगे वाला माइनस। अब देखिए जी यक्स और इंटू में एक्स माइनस टू, अब ये इंटू में उधर जाएगा तो नीचे लग जाएगा, तो जी यक्स बराबर कितना हो गया एक्स क्यूब माइनस तीन एक्स स्क्वायर प्लस तीन यक्स माइनस दो और बटे में ये एक्स माइनस दो, ये हमारा क्वेश्चन तैयार हुआ। अब इससे भाग कर देंगे इसमें तो किसका माना जाएगा, जी एक्स का माना जाएगा, तो इतना नोट करिए, इसके बाद अभी लगाते हैं। चलिए देखिए आगे समझिए लो, इससे भाग देना है एक्स माइनस टू से, इस वाले में एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू, यहाँ पे x है और यहाँ एक्स क्यू है तो क्या लिख दिया जाए, एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो एक्स क्यू हो जाएगा, केवल पहला वाला पद मिलाना है, बाद में क्या रहा उससे कोई मतलब नहीं है, तो एक्स स्क्वायर का x में गुणा तो एक्स क्यू, दो में एक्स स्क्वायर का गुणा तो क्या हो जाएगा माइनस का दो एक्स स्क्वायर, अंडरलाइन कर देंगे चिन्ह बदल देंगे, प्लस हो जाए तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये कट गया, यहाँ प्लस माइनस है तो घट जाएगा, एक नहीं लिखते हैं, तीन में से दो घटेगा तो एक होगा, एक नहीं लिखते हैं, बड़ी संख्या माइनस में है तो माइनस, प्लस का ये उतार देंगे, प्लस तीन एक्स और माइनस का दो। अब देखिए यहाँ एक्स है यहाँ माइनस है तो पहले तो माइनस लगाएंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर तो एक्स की कमी तो एक्स लिख दिया जाए तो माइनस एक्स का एक्स में गुणा हुआ तो माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स का दो में गुणा हुआ तो माइनस का माइनस और माइनस, तो ये प्लस हो गया, प्लस का दो एक्स, अंडरलाइन करेंगे माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कट गया ये घट गया तो एक्स हो जाएगा माइनस का दो। अब देखिए यहाँ पे वही दिख रहा है तो प्लस एक बार यदि कर दे भाग तो ये हो जाएगा, तो यहाँ से हो गया एक्स माइनस दो, अंडरलाइन करेंगे माइनस प्लस, ये कट गया ये कट गया तो यहाँ शेषफल कितना आ गया जीरो, क्या बन गया जीरो बन गया। तो यहाँ से हमें दिख रहा है ये वाला से भाग दिए इसमें तो हम कहेंगे उसको मिटाते हैं पहले, तो यहाँ से क्या बना हमारा जो जी एक्स का मान है वो कितना आ गया ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, और यही क्या है जी एक्स, यही क्वेश्चन ने पूछा था, सर्वप्रथम बोला है कि जी एक्स से भाग दीजिए, जी एक्स से भाग देने पर यहाँ भागफल आ रहा था और यहाँ पे शेषफल आ रहा था, और इसको माने थे हम लोग पी एक्स, तो इसमें इसका गुणा किया गया है और इस वाले को क्या किए हैं जोड़ दिए हैं तो ये प्राप्त हुआ है, और फिर हमने जी एक्स को कैलकुलेट किया है और फिर भाग लगाया है। आराम से एक बार समझिएगा और इसको नोट करिए, और आज के लिए बस इतना ही करते हैं, आगे फिर अगले वीडियो मिलते हैं।